हाय, दिस इज वसीम। और आज के इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में जो मैंने आपके लिए लेसन चूज किया है वो ये किया है कि जब कभी कोई जो है कामयाब होता है या आप किसी को मुबारकबाद देना चाहते हैं किसी भी सेंस में, तो आप जो है इन जुमलों को इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत ही कॉमन जुमले हैं फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन पसंद आएगा और इसको जहन में रखना है आपको, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि किसी की शादी हुई है, तो जो हुई है तो आप उसको दुआ देना चाहते हैं, तो उस सेंस में कहते हैं कि आपकी जो है आने वाली ज़िंदगी के लिए, जो है शादीशुदा ज़िंदगी के लिए मेरी दुआएं हैं, तो क्या कहेंगे, यानी विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। अब इसी तरह नेक्स्ट जो है सेंटेंस देखें, जैसे कोई एग्जाम्स में अच्छे नंबरों से पास होता है या वो इम्तिहान देने जा रहा है और आप जो है उस सेंस में कहते हैं उसकी कामयाबी के लिए जो है आप दुआ करते हैं, तो क्या कहेंगे, आई होप यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स इन योर एग्जाम्स, आई होप यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स इन योर एग्जाम्स, राइट। तो फ्रेंड्स अब दूसरा सेंटेंस देखें कि जैसे हम किसी को कहते हैं कि नई नौकरी के लिए जो है मेरे दिल में आपके लिए अच्छी ख्वाहिशात हैं, तो उसके लिए कहते हैं ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब। अब इसी तरह नेक्स्ट आ जाएं कि जब हम कहते हैं कि हमारी नेक ख्वाहिशात हैं या हम किसी को सेंस वो कहते हैं, तो उस सेंस में हम कहते हैं ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स मैं यही कहता हूँ कि आप जो है सेंटेंसेस की प्रैक्टिस रखें, जैसे किसी की जो है नौकरी में या जो वो काम करता है उसमें जो है हम अच्छी प्रोग्रेस के लिए जो है मुबारकबाद देते हैं, तो हम कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन, Congratulations on your promotion. अब next देखें कि जब हम जो है कहते हैं कि मुबारक हो भाई, आपका ये हक था, यानी आप इसको डिजर्व करते थे, तो उस सेंस में कहते हैं Congratulations, you deserve it. Congratulations, you deserve it. अब नेक्स्ट आ जाएं कि जैसे हम किसी की तालीम जो है या उसके कोई डिग्री उसने कंप्लीट की है, तो उस पर हम कहते हैं कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रेजुएशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रेजुएशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रेजुएशन। अब नेक्स्ट इसी तरह है कि किसी को जब हम कहते हैं कि आप कोई मैरिड हुआ, तो उसके लिए हम दुआ करते हैं या उसको हम मुबारकबाद देते हैं कि भाई आपको बहुत बहुत शादी मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेरिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेरिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया हो तो आप मेरे लेसन को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट देना ना भूलिएगा। शेयर करने से ये होगा कि आपके जानने वाले और आपके हल्का अहबाब जो हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं यही कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले लेसन्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।